कानपुर देहात को अपराध मुक्त बनाने के इरादे से पुलिस अधीक्षक की कुर्सी संभालने वाले आईपीएस अधिकारी स्वप्निल ममगई अपने इरादों पर कामयाब होते दिख रहे हैं। जैसा कि उन्होंने ज्वाइनिंग के समय ही जनपद को एक संदेश दे दिया था कि वे जनपद को अपराध मुक्त करने की ओर तेजी से काम करेंगे। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अभी 24 घंटे भी नहीं बीते कि जिसका असर अब दिखने लगा है। पुलिस अधीक्षक स्वप्निल ममगई की सख्ती के चलते अब कानपुर देहात जनपद की पुलिस भी हरकत में आ गई है। इसी के चलते कानपुर देहात की भोगनीपुर पुलिस व स्वाट टीम की संयुक्त टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें एक अभियुक्त जो कि कई सालों से हत्या, लूट और पशु क्रूरता अधिनियम कई धाराओं का आरोपी था, फरार चल रहा था। यही नहीं, 25,000 का इनामिया भी था आज पुलिस के जो हत्थे चढ़ गया। पुलिस की इस बड़ी सफलता पर पुलिस अधीक्षक स्वप्निल ममगई ने पुलिस टीम को पुरस्कृत करने का भी ऐलान किया है। क्या कुछ कहा है स्वप्निल ममगई ने, पहले आपको ये सुनवाते हैं। देखिए, जैसा कि हमने बताया था अपने ज्वाइनिंग के समय कि हमारी प्राथमिकता है, शासन की प्राथमिकता है जीरो टॉलरेंस टू क्राइम। उसी क्रम में हमने आज बहुत हमारी टीम ने जिसमें सीओ भोगनीपुर, इंस्पेक्टर भोगनीपुर और एसओजी प्रभारी व अन्य लोग सम्मिलित हैं, इनके द्वारा एक बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त की गई है। 25,000 रुपये का इनामिया है नौशाद, जिसको आज गिरफ्तार किया गया है। इसका बहुत लंबा आपराधिक इतिहास है, जैसा कि आप लोगों को बताया भी जा चुका है प्रेस नोट के माध्यम से, और 2016 से लेकर अब तक के कहीं ना कहीं अपराध करता रहा है। हर तरह के संगीन जुर्म जिसमें हत्या, गौकशी, पशु क्रूरता, आर्म्स एक्ट आदि इसके द्वारा किए गए हैं। तो इस क्रम में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के स्तर से इस पर 25,000 रुपये का ऑलरेडी इनाम घोषित है, और इसके लिए सघन तलाश की जा रही थी हमारी टीमों द्वारा, जिसमें संयुक्त रूप से थाने की टीम एवं एसओजी टीम लगी हुई थी, और उसी क्रम में आज ये पकड़ा गया है। और अगर आवश्यकता पड़ती और एक दो दिन और नहीं पकड़ा जाता तो इसका हम लोग आगे इनाम बढ़ाने के लिए संस्तुति भी करने वाले थे। बट बेशक ये बहुत अच्छा वर्कआउट है, और ये पहला, मुझे खुशी है कि ये प्रथम वर्कआउट है, एक अच्छा वर्कआउट है, और शासन की जो प्राथमिकता है उसके क्रम में ये कार्रवाई हुई है, जिसके लिए हमने अपनी टीम को सम्मानित भी किया है 11,000 रुपये नकद पुरस्कार। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र जी हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, 24 घंटे नहीं बीते और स्वप्निल ममगई जी ने जो चार्ज संभाला उसका अब असर दिखने लगा है कानपुर में। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें काव्यन्द्र की जनपद कानपुर देहात में जब से स्वप्निल ममगई जी ने चार्ज संभाला है तब से एक नई पहल देखने को, पुलिसिंग जो देखने को मिलती है गाही बगा है। अब 24 घंटे में उसका असर देखने को मिल रहा है। अपराधी अपनी आपराधिक प्रवृत्ति से बाज नहीं आ रहे थे। 25,000 का इनामिया आज पुलिस के हत्थे चढ़ाए, और ये बड़ी कामयाबी दरअसल 24 घंटे के अंदर ही, जब से एक आईपीएस अधिकारी जो 11 बैच के हैं जनपद के कार्यभार ग्रहण किया है, उनकी प्राथमिकता थी कि कानून व्यवस्था को कायम करना, जिले को जो अपराध मुक्त बनाना, उसके तहत ये बड़ी कामयाबी है, और इसके तहत लगातार जो आगे भी कार्रवाई है वो उनके द्वारा की जाएगी। जो उनका कहना है साफ तौर से जनपद वासियों को स्पष्ट संदेह वो देते हुए नजर आए हैं। इसके चलते कानपुर देहात की भोगनीपुर व स्वाट टीम की पुलिस को बड़ी सफलता, 25,000 का नामी अपराधी था और इसको अवैध असलहे के साथ जो जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी सफलता जनपद कानपुर देहात की पुलिस को हाथ लगी है। बिल्कुल। और जितेंद्र जी, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई थी नवागत एसपी कानपुर देहात के द्वारा, उसमें उन्होंने कहा था कि अपराध मुक्त बनाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी, तो क्या ये उसी ओर कदम बढ़ चले हैं? इसके कारण पहले भी मैं उस बात को कह चुका हूँ कि 24 घंटे भी नहीं बीते हैं, ये बड़ी मतलब सफलता है पुलिस के लिए, जनपद कानपुर देहात पुलिस के लिए ये बड़ी सफलता कही जाएगी कि 24 घंटे भी नहीं बीते हैं और 25,000 का इनामिया अपराधी पुलिस की गिरफ्त में है। ये स्वाट टीम और भोगनीपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जो संदेश देना चाहते थे स्वप्निल ममगई आईपीएस अधिकारी हैं, तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी हैं, जनपद के कानून व्यवस्था का राज कायम करने के लिए आए हैं, तो निश्चित तौर पर पुलिसिंग का जो एक रूप है वो अच्छा देखने को मिलेगा। बिल्कुल। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ आए थे स्वप्निल ममगई साहब, और आज
अपराधियों की गिरफ्तारी की तस्वीरें लेकर आए हैं। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कानपुर देहात की अब तस्वीर आने वाले समय में बदलती हुई दिखेगी। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं काजल जी कि आने वाले समय में, चूंकि आगामी चुनाव भी होना है, विधानसभा 2022 का चुनाव भी हो, एक बड़ी जो है मतलब चुनाव की प्रक्रिया पुलिस के द्वारा कराई जाती है, उससे भी एक बेहतर जिम्मेदारी का निर्वहन उनके द्वारा कहा गया था कि बराबर निभाएंगे, साथ ही कानून व्यवस्था का राज जनपद में कायम करेंगे। पुलिसिंग जो लोग अपने रवैये के लिए जाने जाते हैं कि अपना काम चलाया और नहीं हुआ तो अपना छोड़ दिया होगा, तो वो चीज अब देखने को नहीं मिलेगी। बेहतर ढंग से चाहे दिन हो चाहे रात हो, पुलिसिंग का एक जो रूप होता है, फुट पेट्रोलिंग हो या जब्त का माहौल हो, तो लगातार ये देखने को मिलेगा जनपद में, उनका ये पहले दिन से ही कहना है। तो बिल्कुल तेज तर्रार पुलिस कप्तान कानपुर देहात के कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज ही तस्वीरों के साथ साफ कर दिया कि कानपुर देहात में अब अपराध करना भूल ही जाए अपराधी तो बेहतर।